नमस्कार मैं हूं प्रज्ञा बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है हम प्रतिदिन न्यूज बुलेटिन के अंत में अपने दर्शकों से पांच सवाल पूछेंगे यह सवाल इसी न्यूज से जुड़ा होगा ऐसे में आपको इन सभी न्यूज को ध्यान से सुनना है और उसका सही सही जवाब देना है सबसे ज्यादा सही जवाब देने वाले यूजर का नाम हम वीडियो के लास्ट में लेंगे वही अब खबरों की ओर बढ़ने ऐसी पहले एक नज़र सुर्खियों आरोप शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ कुशमांडा की पूजा बी पी एस के संशोधित आंसर की जारी वार्षिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की एक ट्रेड इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए आवेदन करने का अंतिम मौका नीदरलैंड्स की दक्षिण अफ्रीका पर जीत के बाद ध्वस्त हुए आठ रिकॉर्ड इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बी पी एस सी के संशोधित आंसर की जारी अगर आप भी उन परीक्षार्थियों में ऐसी है जिन्होंने बी पी की प्रिलिम्स परीक्षा में भाग लिया था तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएस उनहत्तरवी का सामान्य अध्ययन विषय के संशोधित आंसर की जारी कर दिए गए हैं ऐसे में इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आंसर की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहीं सबके बीच अगर किसी अभ्यर्थी को इस रिवाइज आंसर की पर कोई आपत्ति है तो वे अपनी आपत्ति को 20 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन मोड में दर्ज करा सकते हैं बता दें कि इस बार उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति प्रश्न 500 सौ रुपए का शुल्क भुगतान करना होगा बिहार प्रशासनिक सेवा के 532 अधिकारियों का प्रमोशन बिहार में राज्य कर्मियों और पदाधिकारियों के प्रमोशन का सिलसिला जारी है नीतीश सरकार की ओर से अब बिहार प्रशासनिक सेवा के पांच अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है इसको लेकर सामान्य प्रशासन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है मालूम हो कि सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रमोशन की यह तीसरी लिस्ट जारी की गई है वही विभाग की ओर से पाँच अधिकारियों को जो नई लिस्ट जारी की गई है उनमें दो पदाधिकारियों को अपर समानता एवं समकक्ष स्तर में प्रणति दी गई है तो वही एक पदाधिकारियों को संयुक्त एवं समकक्ष सड़सठ मूल कोटि वाले पदाधिकारियों को उप सचिव एवं समकक्ष उन्तालीस पदाधिकारियों को अपर सचिव और बीस को विशेष एवं समकक्ष में पदोन्नति दी गयी है शारदीय नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आज नवरात्र का चौथा दिन से में आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा की गई है कहा जाता है कि माँ कुषमाण्डा आदि शक्ति का वह स्वरूप है जिनकी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड का आरंभ हुआ था यही कारण है कि इन्हें कुश्मा देवी के नाम से जाना जाता है बता दें कि माँ कुषमाण्डा अष्ट भूजाओं वाली देवी है इनकी सात भूजाओं में धनुष बाण चक्र गदा अमृत कलश कमल और कमंडल होता है वही आठवीं भूजा में सिद्धियों और निधियों से युक्त माला होता है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मां कुषमाण्डा की सवारी सिंह है ऐसा माना जाता है कि जिसके द्वारा भी मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है उन्हें आरोप की प्राप्ति होती है वो अपने भक्तों के दुखों कष्टों को हर लेती हैं और उन्हें शांति समृद्धि और सुख देती है वार्षिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ी अगर आप भी उन छात्रों में से हैं जिन्होंने अब तक इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ऐसे छात्रों को आवेदन करने के लिए अंतिम मौका दिया गया है दरअसल बिहार बोर्ड की ओर से इंटर वार्षिक परीक्षा दो के लिए विलम्ब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि सत्ताईस अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है मालूम हो की बिहार बोर्ड के अनुसार कई स्कूल और कॉलेज ऐसे है जिनके द्वारा अब तक परीक्षा के लिए आवेदन नहीं भरा गया है ऐसे में छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की ओर आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किया गया है वहीं इसके अलावा बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर किसी छात्र का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा होता है तो उसके जिम्मेदार संबंधित स्कूल या कॉलेज होंगे डेंगू के 304 नए मामले आए सामने बिहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है बता दें कि बीते दिन डेंगू के 304 नए मामले सामने आए हैं जिसमें अकेले बिहार की राजधानी पटना से एक केस सामने आए हैं बता दें कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते दिन सहरसा में डेंगू के पंद्रह गया में तेरह सारण में ग्यारह जबकि जमुई वैशाली और मुंगेर में नौ नौ नए मरीज मिले हैं प्रदेश में अब तक इस वर्ष ग्यारह डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं वही अकेले अक्टूबर महीने में चार हजार केस मिले हैं वही विभाग के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या घटकर 255 रह गई है राजधानी पटना में अब तक 4301 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं जनरेटर के अंदर से भारी मात्रा में शराब बरामद बिहार में पूर्ण रूप ऐसी शराबबंदी है इससे तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर ऐसी जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही उल्टा शराब तस्कर तस्करी के लिए नए नए तरीकों का निजात करते हुए पाए जा रहे हैं बता दें की ताजा मामला गया के कया पेट्रोल पंप का है जहाँ मुफस्सल पुलिस के द्वारा मिले गुप्त सूचना के आधार आरोप पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक ट्रक आरोप लोड एक लंबे चौड़े साउंड जनरेटर सेट से करीब पचास लाख रुपए की शराब बरामद की गई है हालांकि इस दौरान ट्रक पर न कोई चालक मिला और न ही कोई अन्य व्यक्ति फिलहाल इस मामले की जाँच की जा रही है शिक्षा विभाग में छुट्टियां हुई रत शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जारी किया जा रहा है ऐसे में अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक की ओर से राज्य के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिख आदेश जारी कर यह जानकारी दी गई है कि सफल हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके इसके लिए आज यानी की अठारह अक्टूबर ऐसी अगले आदेश तक राज्य मुख्यालय समेत सभी जिलों और प्रखंडों में कार्यरत शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है इसके साथ ही के पाठक की ओर से यह भी कहा गया है की अठारह अक्टूबर ऐसी अक्टूबर तक शिक्षा कर्मियों को किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था और अन्य प्रकार की ड्यूटी में नहीं लगाया जाए बिहार तकनीकी सेवा आयोग की एक ट्रेड इंस्ट्रक्टर भर्ती के लिए आवेदन करने का अंतिम मौका अगर आप भी उनमें से हैं जो बिहार राज्य सरकार के श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन राज्य में स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसाय के लिए व्यवसाय निदेशक के कुल एक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है बता दें कि इसके लिए आवेदन करने के लिए आपके पास अंतिम मौका है ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार जल्द ऐसी जल्द आयोग की आधिकारिक वेबसाइट बी पर जाकर अपना आवेदन कर दे इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को संबंध ट्रेड में इंजीनियरिंग डिग्री और एक वर्ष का अनुभव या डिप्लोमा व दो वर्ष का अनुभव प्राप्त किया होना चाहिए कटरीना कैफ पहुंची पटना उन्हें देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़ दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ बिहार की राजधानी पटना पहुंची ऐसे में उन्हें देखने के लिए पटना एयरपोर्ट पर लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी वही पटना एयरपोर्ट पर कैटरीना कैफ ने फैंस का अभिवादन स्वीकार करते हुए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गाड़ी पर सवार होकर अपने होटल के लिए रवाना हो गई इस दौरान कैटरीना कैफ के द्वारा मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कैटरीना कैफ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना आई है जो की कंकड़बाग में आयोजित किया जाने वाला है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक भी बन सकेंगे स्कूलों के प्रधानाचार्य बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है जिसके तहत अब स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक भी मध्य स्कूलों के प्रधानाचार्य पद पर प्रोन्नत हो सकते हैं बता दें कि इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके अंतर्गत यह जानकारी दी गई है की मिडिल स्कूल में प्रधानाचार्य पद पर उन्नत होने के लिए अगर स्नातोत्तर योग्यता वाले शिक्षक नहीं मिलते हैं तो उनके जगह पर स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में न्यूनतम चार वर्ष तक कार्यरत शिक्षक को मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नत के लिए योग्य माना जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले प्रधानाचार्य पद के लिए केवल स्नातोत्तर योग्यता वाले शिक्षकों को ही मौका मिलता था केंद्रीय कर्मचारियों को मिला सरकार का बड़ा तोहफा केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए गैर राजपत्रित ग्रुप बी और ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का ऐलान किया गया है बता दें कि इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन गैजेटेट कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी के बराबर पैसा बोनस के रूप में दिया जाता है मालूम हो कि एडहॉक बोनस का फायदा केंद्रीय अर्ध बलों के सभी योग्य कर्मियों को मिलेगा इसके अलावा यह बोनस उन्हें भी मिलेगा जो अस्थायी तौर से एडहॉक बेस पर नियुक्त है लेकिन इसके लिए शर्त यह है की उनकी सेवा के बीच कोई ब्रेक न हो वही ऐसे कर्मचारी जो इकतीस मार्च दो को या उससे पहले सेवा ऐसी से बाहर हो गए हैं या त्याग पत्र दे दिया हो या सेवा निवृत्त हुए हो उन्हें स्पेशल केस माना जाएगा इसके तहत वे कर्मी जो अमान्य तरीके से मेडिकल आधार पर 31 मार्च ऐसी रिटायर्ड हो गए हो या दिवंगत हो गए हों लेकिन वित्तीय वर्ष में छह माह तक नियमित ड्यूटी की तो उन्हें भी बोनस के योग्य माना जाएगा सुशील मोदी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर के द्वारा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस से पीएम पद का उम्मीदवार बताने के बाद से बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा गया है की बिहार में जातीय सर्वे करा लेने के बाद जेडीयू को लगा के इससे नीतीश कुमार का कद बढ़ेगा और कांग्रेस वर्चस्व वाला इंडिया गठबंधन उन्हें पीएम प्रत्याशी मान लेगा लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर शशि थरूर ने गुब्बारी हवा निकाल दी है उन्होंने कहा कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ाई अभी से शुरू हो गई है और सीट शेयरिंग तक बात पहुंचने पर इनका कुनबा बिखर जाएगा साहबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को भेजा गया जेल पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे रहेन के बेटे उसामा साहब को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर राजस्थान के कोटा से बिहार के सिवान लेकर पहुंची थी जिसके बाद आज यानी कि 18 अक्टूबर को उसामा साहब को सिवान ए सी जे न्यायाधीश अभिषेक कुमार की अदालत में पेश किया गया और फिर हुसैनगंज थाने के में दर्ज मामले केस संख्या दो सौ बटा तेईस में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है बता दे के इस दौरान ओसामा के साथ उसके सहयोगी सलमान उर्फ सैफ को भी पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था जिसके बाद उसे भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है वही ओसामा के अधिवक्ता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी बेल की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है पैतृक गांव पहुंचा पूर्व मंत्री रामधनी सिंह का पार्थिव शरीर बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव करगहर पहुंचा जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे थे वहीं इन सबके अलावा बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी पहुंचे जहां उन्होंने पूर्व मंत्री रामधनी सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी बता दी की दोपहर में पूर्व मंत्री रामधनी सिंह का करगहर के देवखेड़ा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया वही इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा कहा गया की रामधनी सिंह जमीनी नेता थे जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है उन्होंने उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ा उन्होंने कहा कि वो इलाके के विकास के लिए भी लगातार रहते थे, उन्हें हमेशा लोग याद करेंगे नीदरलैंड के दक्षिण अफ्रीका पर जीत के बाद ध्वस्त हुए आठ रिकॉर्ड धर्मशाला में नीदरलैंड्स और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए विश्व कप 2023 के पंद्रहवें मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 38 रनों से मात दी वहीं नीदरलैंड्स के इस जीत के साथ ही आठ नए रिकॉर्ड बन गए हैं दरअसल ऐसा पहली बार हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका वनडे में किसी सहायक टीम से मुंह छाड़ा है इसके अलावा नीदरलैंड्स ने पहली बार आईसीसी के पूर्णकालिक सदस्य को पटकनी दी नीदरलैंड ने सातवां विकेट गिरने के बाद 105 रन जोड़े जो कि पुरुष वनडे में इस स्थिति के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगदान है नीदरलैंड ने सातवां विकेट गिरने के बाद ग्यारह के रन रेट से रन बनाए दस टीम ने केवल नौ ओवर में एक रन जोड़े या वनडे में किसी भी टीम द्वारा सबसे ज्यादा रन रेट से बनाए गए रन है जिन्होंने सातवां विकेट गिरने के बाद सौ से ज्यादा रन जोड़े आर्यन दत्त ने दसवें नंबर पर आकर तीन छक्के जमाए जो कि वनडे वर्ल्ड कप में दसवे या नीचे क्रम पर आकर संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा सिक्स जमाने का रिकॉर्ड है दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड के खिलाफ बत्तीस रन अतिरिक्त दिए यह वनडे वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका द्वारा सबसे ज्यादा खर्च किए जाने वाले रन है दक्षिण अफ्रीका ने पहले और चौथे विकेट गिरने के बीच आठ रन जोड़े जो की वनडे वर्ल्ड कप में उनके द्वारा बनाए गए सबसे कम रन है दो से दूसरी पारी में दस या ज्यादा बार दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली बीस टीमों में तीसरा सबसे कम अनुपात है अब बढ़ते हैं आज के पांच सवाल की ओर हमारा पहला सवाल है वार्षिक परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि कब तक बढ़ाई गई है ऑप्शन ए चौबीस अक्टूबर ऑप्शन बी बीस अक्टूबर ऑप्शन सी सत्ताईस अक्टूबर ऑप्शन डी तीस अक्टूबर इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सत्ताईस अक्टूबर अगला सवाल बीपीएससी उनहत्तरवी प्रीलिम्स के संशोधित आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि क्या है ऑप्शन ए e, 24 अक्टूबर ऑप्शन बी 20 अक्टूबर ऑप्शन सी 27 अक्टूबर ऑप्शन डी 30 अक्टूबर इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 20 अक्टूबर अगला सवाल नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के किस रूप की पूजा की जाती है ऑप्शन ए e, चंद्रघंटा ऑप्शन बी कालरात्रि ऑप्शन सी कुष्मांडा, ऑप्शन डी सिद्धिदात्री इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुशमांडा। अगला सवाल नीदरलैंड्स के दक्षिण अफ्रीका पर जीत के बाद कितने रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं ऑप्शन ए e, आठ रिकॉर्ड ऑप्शन बी दस रिकॉर्ड ऑप्शन सी छह रिकॉर्ड ऑप्शन डी पांच रिकॉर्ड इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए e, आठ रिकॉर्ड अगला सवाल शशि थरूर किस पार्टी से सांसद हैं? ऑप्शन ए बीजेपी ऑप्शन बी आरजेडी ऑप्शन सी जेडीयू ऑप्शन डी कांग्रेस इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कांग्रेस बीते दिन हमारे पूछ गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्राप्त हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पार्वती रॉय रंजीत मिश्रा भान प्रकाश मौर्य अमित यादव संतोष कुमार मंडल रवियांश कुमार मुटुर रंगीला चंदन सिकंदर कुमार अमृत भारती चंदन कुमार राजू सिंह कपिल देव साह दीपक कुमार कुमार कुणाल चंदन कुमार सकल कुमार इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है जाति जातिगणना सर्वे की रिपोर्ट जारी करने से आपके अनुसार सीएम नीतीश को लोकसभा 2024 में कितना फायदा मिलेगा अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब ऐसी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक ऐसी देख रहे हो तो पेज को फॉलो करना न भूले धन्यवाद